तो मामा जी ने बुलाया है सबसे बड़े फ्लाईओवर के उद्घाटन में। मामा जी तो नहीं आए अभी, लेकिन यहाँ पे काफी भीड़ आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्टेज बनाया गया है। तो फ्लाईओवर के उद्घाटन का टाइम था 5 बजे शाम का, लेकिन अभी ही 6 बज चुका है, शिवराज सिंह चौहान जी नहीं आए। तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं धूप में खड़े होके। तो चलिए कोई तो नेता आया यहाँ पे, तो ये आ रहे हैं हमारे अशोक रोहाणी जी। देख सकते हैं आप लोग, ये केंट क्षेत्र के विधायक हैं। सबसे पहले अशोक रोहाणी जी आ चुके हैं यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे सब नेता लोगों का आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये अशोक रोहाणी जी बहुत ही सिंपल तरीके से आते हुए, चलिए अब देखते हैं कौन आता है। जितने भी नेता आ रहे हैं ना गाइस, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ना, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब यहीं से आ रहे हैं अभी तो फिलहाल सब नेता। और शिवराज सिंह चौहान जी कहाँ से आते हैं इसका मुझे नहीं पता, अभी भी शायद कोई आया है, नहीं कोई नहीं आया, गाड़ियाँ बैक हो रही हैं। तो स्टेज देख लो गाइस कुछ इस प्रकार बना, ये पूरा देख रहा शाम होते जा रही है। ये पास से भी देख सकते हैं आप लोग स्टेज, मतलब बहुत ही शानदार बनाया गया, छोटा है लेकिन पर्याप्त कुर्सी लगा के बैठने की पूरी जगह है। देखो कितनी भीड़ है, बाप रे, देख सकते हैं गाइस आप लोग। तो गाइस ये देखो, ये गाड़ी जा रही है ना, शिवराज सिंह चौहान जी आ चुके हैं, ये जा रही है पीछे से गाड़ी। मेरे ख्याल से ये पूरे ना फ्लाईओवर के पास ही जाके गाड़ी लगने वाली है, और मैं भी वहीं चलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तो फ्लाईओवर का वीडियो बनाना है, क्योंकि ये भाषण असल से कोई मतलब नहीं है मुझे, तो रिफंड का भाजर। तो चलिए चलते हैं पीछे साइड। तो निकल गई गाड़ी पीछे, यहाँ से चलते हैं पीछे और जहाँ पे फ्लाईओवर का उद्घाटन होने वाला है। तो गाइस ये रास्ता है ब्रिज के बाजू से जाते हुए, तो यहाँ देखो ये पुलिस दिख रही है, लगी है ना गाइस, सही बताऊँ तो मुझे वो पुलिस वालों ने ना बोला था कि आगे से जाओ, जाने नहीं दे रहे थे। और ये देखो कितनी भीड़ है, पूरी रोड ही जाम करके रख दी गई है ये महानद्दा वाली, और उस साइड मदन महल से भी ना आने दिया जा रहा है ना जाने दिया जा रहा है। तो ये देखो ये अभिनंदन लिखा है ना जो ऊपर, यहीं से आगे शिवराज सिंह चौहान जी की गाड़ी रुकी है जाके। अब देखना यह है कि हमें जाने मिलता है कि नहीं। तो गाइस चलो आगे चलते हैं, जैसे तैसे मुझे जाना ही है। और यहाँ पे भीड़ देख लो, बाप रे, सबके गलों में पास लटक रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी पास है नहीं। बाकी तो पहले जाने दिया जा रहा था, अभी नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी आ चुके हैं। तो देख लो ये सब दिख रहा गाइस, कितनी भीड़ लगी, यहाँ पे झगड़ा भी हो रहा था पुलिस वालों का, और किसी का झगड़ा भी हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए रोका जा रहा था ना, इस वजह से बहसबाजी चल रही थी। तो गाइस मैं तो मौका ही ढूंढ रहा था कि अंदर जाने मिल जाए मेरे को, तो मैंने देखा कि सब बिजी हो गए हैं लड़ाई झगड़ा में, बहसबाजी में, और मैं साइड से निकल लेता हूँ। तो बस यही मौका था अंदर जाने का, और मैं चुप्पे से साइड से सीधे अंदर निकल दिया गाइस। और सच बताऊँ ना, यहाँ का पूरा माहौल इतने शांति मिल रही थी ना, पहली बार ब्रिज के ऊपर चढ़कर मुझे बहुत शांति मिल रही थी। ये पूरी गाड़ियाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये शिवराज सिंह चौहान जी का काफिला है, जो कि फ्लाईओवर का एक राउंड लेने जा रहा है उद्घाटन। मतलब सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जी की गाड़ी पूरी काफिला एक राउंड लेगा, फिर उद्घाटन कंप्लीट होगा। अभी मैं आप लोगों को शिवराज सिंह चौहान जी को भी दिखाऊंगा, मैं देखा हूँ उनको अच्छे से, रिकॉर्डिंग भी करा हूँ उनकी, लेकिन फिलहाल अब मैं दौड़ तो सकता नहीं था, लोग इतनी स्पीड में आगे निकल गए, अगर मैं दौड़ता ना तो दिक्कत हो जाती, सब बोलते कि ये दौड़ क्यों रहा है फ्लाईओवर के ऊपर। तो गाइस ये देखो, ये सब जो दिख रहे हैं ना लेबर लोग, पीली पीली टोपी वाले लोग ना, ये सब साइड में खड़े थे, मतलब सलामी देने के एक प्रकार से शिवराज सिंह चौहान को। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत लंबा काफिला है गाइस। यहीं से गाइस देखिए राइट में, ये शुभ मोटर मारुति सुजुकी का शोरूम दिख रहा है। चलिए शिवराज सिंह चौहान जी का काफिला तो चला गया, हम चलते हैं ब्रिज के ऊपर और देखते हैं ब्रिज के पूरे नज़ारे कैसे हैं। कितनी सारी गाड़ियां हैं भाई, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, निकलती जा रही निकलती जा रही। तो देखो बाप रे, कितनी सारी गाड़ियां हैं, मेरे ख्याल से ये लास्ट है। तो भाई लोग फ्लाईओवर के कर्मचारी लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये देखो ये ब्लॉगिंग चल रही भाई साहब की। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा पब्लिक इस साइड नीचे साइड आ रही है, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी की गाड़ी आगे निकल चुकी है, और काफी न्यूज रिपोर्टर लोग भी लौट के आ रहे हैं, क्योंकि उनको साथ में जाने तो मिला नहीं होगा, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ सिर्फ एक न्यूज रिपोर्टर ही गया होगा। तो गाइस जबलपुर के जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं आया ना फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर, जरूर आइएगा एक बार, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी शांति वाली हवा आ रही है ना, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, फीलिंग ही अलग है यहाँ की। चले गाइस और आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं कितना सुनसान हो गया है, लेकिन पब्लिक अभी आगे वाली और इसी साइड आ रही होगी, क्योंकि ब्रिज सब बता रहे थे 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज बता रहे, लेकिन मेरे ख्याल से गाइस ये 1.5 किलोमीटर लंबा नहीं है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रिज चेक करूंगा गाड़ी के मीटर से कि कितने किलोमीटर का ये ब्रिज है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और अभी हम जाएंगे मदन महल चौराहे के ठीक ऊपर तक, जो राउंड राउंड बना ना व्हाइट होल जिसको मैं कहता था, वहां तक जाएंगे और वहां से फिर रिटर्न आ जाएंगे वापस। तो गाइस इतना मजा आ रहा है ना फ्लाईओवर के ऊपर चल के कि मैं बता नहीं सकता आपको, पूरा आगे तक जाऊंगा मैं आज। तो फ्लाईओवर के आजू बाजू की बाउंड्री इतनी छोटी बनी है कि ऊपर से नीचे भी देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ये देखो कितना शानदार नजारा लग रहा है गाइस ऊपर से, ये पहली झलक देख रहा हूँ मैं ऊपर से नीचे।
तो ऊपर से देखने में तो हर चीज़ का नज़ारा बहुत ही शानदार लगता है, जैसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही शानदार। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से शिवराज सिंह चौहान का काफिला ही गया है। आम लोगों की गाड़ियाँ अभी ऊपर आने नहीं दी जा रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी आम लोगों की गाड़ियाँ भी ऊपर आने दी जाएंगी। तो अब लोगों को नीचे से जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही ऊपर निकल सकते हैं उस पार। तो यहाँ पे न्यूज़ वालों की रिपोर्टिंग चल रही है, माइक को मोबाइल में फंसा लिया और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो भाई शिवराज सिंह चौहान ऊपर से तो गुजर गए, अब ये नीचे से ये देखिए आ रहा है उनका काफिला। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा शिवराज सिंह चौहान जी का ही काफिला है। ये एक ये वाली गाड़ी दिख रही नहीं है, ये कैमरा मैन है बस उनके साथ, और बाकी ये सब नेता लोग बैठे हैं। चलो ये तो गए, और अब ये मंच में जाके भाषण सुनाएंगे सबको। तो ये फ्लाई ओवर की ना सड़क और डिवाइडर बहुत ही शानदार बने हुए। एक तो डिवाइडर अच्छा हुआ ऊंचे नहीं बनाए, नहीं तो ऊंचे रहते ना तो नीचे नहीं झांक पाते। ये देखो ये पूरे आ रहे हैं सब, ये खड़े होंगे डिवाइडर के आजू बाजू। हेलो सबको, हाय हाय बाय बाय। ये पूरी लेबर है गाइस, इन लोग को ना खड़ा कर दिए गए होंगे लेफ्ट साइड राइट साइड, और बीच से शिवराज सिंह चौहान जी का काफिला निकल रहा होगा। और बाकी फ्लाई ओवर के ऊपर इस वक्त अभी न्यूज रिपोर्टर हैं, कुछ ब्लॉगर हैं। ये तो मुझे ब्लॉगर लग रहे हैं भाई लोग, वीडियो बना के लग रहा वापस जा रहे हैं नीचे तरफ। तो ये देखो ये लोग कई लोग जा रहे हैं नीचे और हम चल रहे हैं ऊपर, और अभी भी पुलिस लगी है ऊपर, खड़े हैं कई, दो चार पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं मुझे। बाकी तो सब ये लेबर लोग हैं जो नीचे जा रही हैं। ये देख लो हंसी मजाक करते हुए, और गाइस लाइटिंग भी बहुत अच्छी की गई थी यहाँ पे ऊपर। ये देखो सेल्फी ले रहे हैं भाई पुलिस वालों के साथ, ये देखो सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं पुलिस वाले खड़े होकर। तो ये आगे मैन चौराहा आने वाला है गाइस, यहाँ से आपको दिख रहा ना सामने, मैन चौराहा आने वाला है मदन महल का। और सही बताऊँ ना तो नीचे से मदन महल के चौराहे आने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, और पता ही नहीं चला कब मैं यहाँ मैन चौराहे आ गया। तो देख लो ये ऐसा डिज़ाइन बना है एक बीच में, ये मैन चौराहे का गोला नहीं है, ये एक ऐसा बना दिया गया है, थोड़ा होगा कुछ इनका, है ना। और ये सीधे रोड चले जाती है मेडिकल, है ना, राइट वाली अभी बंद है, जो मदन महल स्टेशन जाती है वाली साइड वो बंद है। तो यहाँ से भी नीचे झांक सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से झांकना है, ये गोला दिख रहा है ये, तो हमें यहाँ से झांकना है व्हाइट होल से नीचे, और देख रहा है दिखता कैसा है। तो ये देख लो बहुत बड़ा चौराहा है गाइस, यहाँ से लोग निकलने कम वाले हैं, घूमने ज़्यादा आने वाले हैं। ये देख लो लाइट गोल हो गई भाई, चलो गाइस लाइट ही गोल हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत नज़र आ ही रहा है। तो ये नीचे का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, नीचे की पूरी रोड चालू हो चुकी है। इससे एक दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था ना उसमें दिखाया था यहाँ की रोड बनती, लेकिन अब पूरी चालू हो गई है। और यहाँ बीच सेंटर में बनाया जा रहा है गार्डन, पेड़ पौधे लगेंगे शायद अंदर जाने भी दें। तो ये रोड जाती है मेडिकल, ये तो भाई पुलिस की गाड़ियाँ अभी भी जा रही हैं, तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा हो गया यहाँ पे। तो चलिए गाइस चलते हैं, जय हिंद। अब लाइट भी आगे जाने का समय हुआ, तो आगे का वीडियो आप लोगों को देखना पूरा भाषण, तो लाइव में जाइएगा मेरे, लाइव में आप लोगों को मिल जाएगा।